तो अभी मैं सभी से मुलाकात करवाती हूँ आपकी। ओमकारेश्वर मंदिर में लेके आई हूँ। यहाँ के दर्शन बहुत ही मायने होते हैं क्योंकि पंच केदारलिंग दर्शन यहाँ हो जाते हैं। लेकिन ये एक जमा पूंजी रहती है हमारे लाइफ की, जो उम्र भर अपने साथ में रह जाती है, तो इसका आनंद लो, दुगना हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमें अंकित भैया जी बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, हमें भी नहीं पता। तो बने रहिए आप ही हमारे साथ, चलते हैं, देखते हैं क्यों बुला रहे हैं। चलो तो पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देव भूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में और अपनी मध्यशर घाटी के मार्केट में। अभी फिलहाल मैं प्रदीप भाई की दुकान पर हूँ। तो आज मैं ना अभी ब्लॉगिंग इसीलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिलने आए हैं और उनसे मैंने काफ़ी बातें भी कर ली हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र से आए हैं तो आप सभी लोगों को भी उनसे मिलवाती हूँ। तो अभी उन्होंने अभी हमें सरप्राइज दे दिया है, मैं तो काफ़ी खुश हूँ। गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों को उनसे मिलवाती हूँ, चलते हैं अभी सभी से मुलाकात करवाती हूँ आपकी। पहले आपसे तो आप कुछ बोलिए। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, कल मैं यहाँ पर 5:30 बजे आ गया था। प्लीज़ आप लोग अगर आना चाहते हो यहाँ पर तो कृपा करके आ जाइए। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं यहाँ पर, बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं और उससे भी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और आप अभी क्या प्लान है आपका आगे? मैं तो केदारनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ, अभी तो डोली जाने में काफी टाइम है, तब तक यहीं रुकूंगा, सारे वादियों का आनंद ले लूंगा और फिर देखते हैं क्या क्या सीन होता है यहाँ पर। हर लोगों से मिलना जुलना होगा और काफी दोस्त भी लेंगे। आप भी लोग यहाँ पर आइए और यही सही जिंदगी का मजा लेने का, जिंदगी को नजदीक से देखने का यही अवसर होता है, इसे गंवाइए मत। पैसा क्या है, रोज कमाएंगे रोज खर्च करेंगे, लेकिन ये एक जमा पूंजी रहती है हमारे लाइफ की, जो उम्र भर अपने साथ में रह जाती है, तो इसका आनंद लो, दुगना हो जाएगा। और आपके साथ आपके दोस्त भी आए ना, उनसे भी मिलवा देते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो नहीं बोल सकते। आपको भी अच्छा लग रहा है ना? और भैया के साथ कैसा लगा, अंकित भैया के साथ? तो अंकित भैया ने हमें बताया नहीं, अब वैसे कल आगे थे, मना किया हुआ था। भैया आप बहुत तेज हो, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मना किया हुआ था मेरे को। काफी अच्छा लग रहा है, आपने हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया। और अर्जुन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सरप्राइज, मतलब लग तो रहा था। आरती बोल रही थी कि मतलब भैया के साथ गए हैं, फिर हम थोड़ा आइडिया हो गया था उधर ही से, जब भैया हंसे तो हमें आइडिया हो गया था कि यार हाँ कोई पहचान लेते हैं। तो काफी अच्छा हमें भी लगा, काफी अच्छा लगता है दोस्तों जब कोई मुझे इतने दूर से मिलने आता है, तो मुझे ये फील होता है कि हाँ मैंने यूट्यूब में ये चीज़ अचीव की है, मतलब ये चीज़ मैंने कमाई है किसी का प्यार, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी दूर से यूट्यूब फैमिली आती है मुझे मिलने, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखना। भैया के साथ में बहुत बड़ा अच्छा लगा, उनका व्यवहार बस देखते ही बनता है, ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं मेरे घर में हूँ, ऐसा लगे कि मेरा दूसरा घर है। मम्मी आंटी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, अच्छे अच्छे पराठे खिलाए, रात की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी रखी थी, मुंह में पानी आ गया था, मैं तो चाट खा रहा था मैं। अच्छा हाँ जी, तो भैया आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की, थैंक यू सो मच। इतना हंसो मत भाई, भाभी मिल जाएगी। भाभी तो लाना है, अगले साल भाभी लाना ही है। हाँ अब भाभी आपका भी काम है, भाभी ढूंढने का, हमारे भैया को भाभी, ठीक है? लेकिन शर्त है उसने गोल गप्पे खिलाने चाहिए हमको। गोल गप्पे वाली होनी चाहिए भाभी, बस क्या करें, महाराष्ट्र चला ले। महाराष्ट्र वो झांसी की रानी बन जाएगी। महाराष्ट्र के कुछ पन्ने यू भी लिख रही हूँ मैं जिंदगी में, कि कुछ पन्ने यूँ भी लिख रही हूँ मैं ज़िंदगी में, कुछ अनजान रिश्ते भी अपने बन रहे हैं, कुछ अनजान रिश्ते भी अपने बन रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा ना सही पर, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा ना सही पर, हर किसी के परिवार के दिलों में हम बस रहे हैं, हर किसी के परिवार के दिलों में हम बस रहे हैं।
तो अभी ना मैं सभी को मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर में लेके आई हूँ। यहाँ के दर्शन बहुत ही मायने होते हैं क्योंकि पंच केदारलिंग दर्शन यहाँ हो जाते हैं। तो अभी दर्शन हो रहे हैं, अभी आपको दिखा। तो अभी मैं ओमकारेश्वर बाबा की शरण में यहाँ दर्शन करवाने के लिए सभी बड़े भैया जी को ला गई थी। अभी ना यहाँ अंदर पंच केदारलिंग दर्शन होता है क्योंकि अभी दर्शन कर रहे हैं। और ये रहा हमारा ओमकारेश्वर मंदिर, भगवान केदारनाथ और मध्वेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल। काफ़ी टाइम आपने मंदिर का मैंने ब्लॉग बना रखा भी है, आपको ऊपर में एक वीडियो दिख रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। हो चुके हैं ओमकारेश्वर बाबा जी के दर्शन, अभी करते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका है ना। जय बाबा ओमकारेश्वर। तो खाना खाने आए थे घर पर, अब चलते हैं। अरुण कैसा लगा? अभिषेक नहीं मुनि आ रहे हो? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुपर। चलो अभिषेक तुम तो बड़े भैया जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, लेकिन एक मेहमान नहीं मैं दोस्त बोलूंगा, डुब्बू दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उसी को ढूंढ, अभी था घर पे, चला गया। भाग गया फिर से, वो घर पे रहता ही नहीं है। काम ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा डुब्बू के लिए। बहुत अच्छा लगा, खाना भी स्वादिष्ट बनाया था, बढ़िया लगा। और मम्मी आपको कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भाई जी कैसे लगा आपको? तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं, मैं और वो जो बड़े भैया जी है ना महाराष्ट्र से जो आए हैं, वो अभी थोड़ा मतलब मार्केटिंग में घूम रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। और अलका अभी जा रही है अपने घर, अलका मतलब गेट गांव जा रही है, शादी अटेंड कर रही है। वैसे तो स्पेशली अलका को बोला है कि मत जा, पर अलका फिर भी जा रही है। मैम क्यों जा रहे हो? मत ही जाओ, शादी की बार होती है ना। शादी की बार होती है, तो फिलहाल अभी काम कर लेते हैं जिसके लिए हमें बैठे हुए हैं। तो फिलहाल काम करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। अलका को भी बाय बाय बोल देते हैं। अलका बाय बाय। तो कुछ दिन तक अब अलका आपको ब्लॉग में नहीं दिखेगी, इससे पहले कि अभी कुछ ब्लॉग है उनमें दिख जाएगी। बस दिखेगी मतलब एक दिन के लिए जा रही, शादी दो दिन के लिए, कौन से हमेशा के लिए जा रही, तो दिखेगी। तो फिलहाल अभी मिलते हैं बाद में। तो अभी हमने अलका मोमो खा दिए हैं, अलका और मोमो तो बहुत स्वादिष्ट थे, अब स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, काश तो वो भी हमारे साथ होती। दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं और अभी मैं घर पहुंच चुकी हूं और काफी अच्छा लगा बड़े भैया जी से मिलके जो महाराष्ट्र से आए हुए थे। तो थैंक यू सो मच इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं घर आ चुकी हूँ और एक मम्मी के लिए भी गिफ्ट दिया है, तो मम्मी के पास देते हैं गिफ्ट को। तो ना मम्मा भैया थैंक यू तो बोलो। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो अभी मम्मी के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, तो वैसे बता रखा है कि मना करा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए गिफ्ट नहीं बता रहे हैं फिलहाल, देर का है। तो मम्मी की तरफ से मम्मी थैंक यू बोलना वीडियो में। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। कल रात में घर आके तो ब्लॉग इन नहीं कर पाई, पर अभी ब्लॉग इन कर लेती हूँ और ये भी कहूँगी कि काफ़ी अच्छा हमें लगा इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप सभी लोग इतना प्यार देते हो, जब आप सभी लोग मुझे मिलना आते तो मुझे ये फील होता है कि हाँ मैंने यूट्यूब से कुछ ना कुछ कमाया है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है मेरे लिए। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं तक, मिलूंगी जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।